हेलो फ्रेंड्स, मैं माँ भगवती सिलाई केंद्र से सुनीता सिंह। आज मैं आपको साड़ी से एक स्कर्ट बनाना बताऊंगी। आइए बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये साड़ी है। इस तरह की साड़ी आप ऐसी रखी हुई है, घरों में रखी रहती है, तो आप चाहे स्कर्ट बना सकते हैं या उसमें से लहंगा बना सकते हैं, बट मैं इसमें से स्कर्ट बनाऊंगी। ये देखिए, इस साड़ी में से मैंने पल्लू निकाल दिया है। ये देखिए, इधर का हमारा ये हिस्सा है और यहाँ से मैंने इसमें से पल्ला अलग कर दिया है, पल्ला निकाल दिया है मैंने इसमें से। तो हम जो ये इस तरह से लेंगे इस साड़ी को, देखिए ये हमारा बॉर्डर है नीचे नीचे। इसमें जो हमारा ये एक्स्ट्रा है, ये देखिए प्लेन है ये वाला हिस्सा इतना, तो हम इसे निकाल देते हैं यहाँ से। प्लेन हिस्से को इस तरह से करके हम इसे निकाल देंगे, जितना हमारा ये प्लेन पार्ट है इसमें। ये देखिए, इसको हम यहाँ से अलग कर देते हैं। ये हमने निकाल दिया इसमें से। अब हमारे पास जो ये पीस बचता है, ये देखिए, अगर हम इसमें से कलियों वाली कली करके बनाएंगे या अम्ब्रेला करके बनाएंगे तो हमारी कटिंग सही नहीं आएगी, तो हम इसको सिंपल ही लेंगे। इसमें हम प्लेट्स डाल लेंगे इस तरह से करके। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा आ गया इस तरह से। इसके अंदर हम लाइनिंग लगाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो नाप है फ्रेंड्स, हमारा नाप है, कमर जो है हमारी 36 इंच है, तो हम इसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे, तो 38 लेंगे हम कमर लेंगे। जो हमारी इसकी लेंथ तैयार है वो 40 है, 40 में हमने 2 इंच ऐड किया, तो हमारा 42 हम लेंथ लेंगे इसकी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो हमारी लेंथ है, तो हमारी 40 तैयार है, तो 40 में हमने 2 इंच हम इसे नीचे मोड़ेंगे, तो मोड़ने के लिए हमने 2 इंच ऐड किया, तो हम 42 रखेंगे। अगर आपको फोल्ड नहीं करना तो आप 40 ही रखेंगे, बट मैं इसमें मोड़ रही हूँ तो मैंने 42 रखा है। जो हमारी कमर है 36 है, तो उसमें हमने 2 इंच ऐड किया तो 38 हुआ, तो कमर जो लेंगे हम 38 लेंगे और लेंथ जो लेंगे हम 42 लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसकी लेंथ लेनी है, तो हम सबसे पहले इसको नाप लेते हैं। ये हमारा कितना है, ये देखिए, यहाँ से हम नाप लेते हैं। हमारी इसकी 45 बैठती है, तो हम चाहे तो ऊपर से इसको कट कर देंगे, बट मैं ऊपर से कट नहीं करूँगी। ये 3 इंच ऊपर से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी, जिससे हमारा ये और हैवी हो जाएगा। इसके ऊपर हम बॉर्डर पट्टी लगाएंगे, जिसके अंदर हमें डोरी डालनी है, तो हम इसको अंदर ही फोल्ड कर लेंगे। और ये हम इसकी लेंथ 42 इंच लेंगे। ये देखिए, इस तरह से करके हम 42 इंच ले लेंगे इसको। ये जो हमारा नीचे का हिस्सा है, इतना हिस्सा नाप लेंगे हम। ये देखिए, ये हिस्सा हमारा 3 इंच है, तो 3 इंच हमारा अंदर जाएगा, बाकी हमें 40 इंच चाहिए ऊपर तैयार के लिए, तो हमारा ये हमें 41 इंच चाहिए। ये देखिए, इस तरह से करके हम इसकी सिलाई लगाएंगे ऊपर से, और इतना हमारा फोल्ड में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें इसको हम पूरा ही ले लेंगे, हम इसमें से कटिंग नहीं करेंगे ऊपर से, इसको ऐसे लेंगे। और सबसे पहले हमें जो है इसमें प्लेटें डालनी है फ्रेंड्स, हम इसमें प्लेटें डालने स्टार्ट करेंगे इस तरह से करके। चौड़ी चौड़ी हम इसमें प्लेटें डाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से करके हम इसमें प्लेटें डाल लेंगे। तो हमने प्लेटें डालने के बाद इसको हमारा जो है 38 हमारा है कमर, तो हम 38 इसको तैयार कर लेंगे। उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ही ले लेंगे, 39 इंच ले लेंगे हम इसको तैयार करने के बाद। फिर इसके ऊपर हम बॉर्डर लगाएंगे, तो सबसे पहले हम इसमें प्लेटें डाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें 2 तरह से प्लेट डाल सकते हैं। एक जो अभी मैंने आपको बताया वो सिंपल तरीका है प्लेट डालने का, और एक हम जो अंदर से डालते हैं तो उसका ये तरीका है। ये देखिए, हम 5-5 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमने 5 इंच निशान लगाया इधर से, और यहाँ भी हम 5 इंच निशान लगाएंगे, और यहाँ हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। बीच में 5 इंच का हमारा ये निशान हुआ, 5-5 इंच पे पहले हम निशान लगा लेंगे पूरे पे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 5-5 इंच के निशान लगाए, तो हम बीच में निशान लगाएंगे एक 2.5-2.5 इंच पे। ये देखिए, पूरे पार्ट में लगाएंगे हम 2.5-2.5 इंच पे निशान। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको ऐसे पलटेंगे, और ये निशान जो हमने लगाए हैं, ये देखिए, ये दोनों प्लेट, ये निशान दोनों आपस में मिलाएंगे, और इस तरह से करके हम प्लेट्स डालेंगे इस तरह से। ये देखिए, इसको इस तरह से लेंगे प्लेट्स को, यहाँ तक लगभग ये जो प्लेट्स की लेंथ रखेंगे हम 8 इंच लगभग रखेंगे। ये देखिए, 8 इंच के लगभग इसको रखेंगे, 9 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, मैंने ये इसको 9 रखा है। यहाँ से हम इस तरह से करके प्लेट्स लेंगे, पूरे पे हमें इसी तरह से प्लेट डालनी है।
ये निशान हमने ढाई ढाई इंच पे जो मिलाए हैं इनको हमें आपस में ज्वाइंट करके इस तरह से हमें प्लेट्स डालनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इधर सीधा है, ये हमारा सीधा है ऊपर का हिस्सा, ये देखिए ये हमारा सीधा है और अंदर से हमारा उल्टा है। तो ये प्लेट्स हमें अंदर की साइड डालनी है, इधर से इसी तरह से अब हमें ये लेना है, ये देखिए ये पकड़ना है यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से फिर ये इस तरह से निशान लगा के प्लेट चला देनी है। पहले हम सारे बराबर करके 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। पूरे पे हमें इसी तरह से प्लेट्स लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पूरे में प्लेट्स डाल दी हैं इस तरह से करके। अब हमें क्या करना है, इसमें जो हमारे ये देखिए ये जो हमारी प्लेट्स है ये हमने इस तरह से प्लेट्स लगाई है, तो इसको हम ऐसे खोल लेंगे यहाँ से, ये देखिए इसको ऐसे करेंगे। इसको आप प्रेस से भी दबा सकते हैं और ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। इसको ऐसे करेंगे और इसके ऊपर सीधी सिलाई चलाएंगे। सारी प्लेटें हमें इसी तरह से कर लेनी है यहाँ से, जिससे हमारी ये प्लेटें दब जाएंगी। यहाँ से हमें एक सिलाई चलानी है पूरे पे। हमने ये प्लेट्स डाल लिए, तो अब हम इसमें कवर के लिए इसको नाप लेते हैं। इसमें आप ध्यान रखना, अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप प्लेटें कम डाल लेंगे। मेरे पास ये हाफ साड़ी थी पल्लू निकालने के बाद, तो मैंने इसमें इस तरह से करके प्लेटें डाल ली है, तो हमारा ये कम नहीं रहना चाहिए। यहाँ से प्लेट डालने के बाद कमर के हिसाब से हमारा देखिए 18 चाहिए हमें, तो हम 19 रखेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम। ये हमारा 38 हो गया, यहाँ पे 38 रखा हमने, 38 हमारी ये है कमर। और ये जो चीज़ हमारी यहाँ से इतना बचा, हमारा यहाँ से एक्स्ट्रा बचना चाहिए 2-2.5 इंच के करीब, क्योंकि हमें इसमें पट्टी लगानी है जिसमें हमें उक लगाना है। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे यहाँ से, ये देखिए इधर से भी ऐसे फोल्ड करेंगे। इस वाले में हमें उक पट्टी लगानी है, यहाँ से यहाँ तक निशान लगा लेंगे हम, लगभग 4-5 इंच तक हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमें इतना ही है, इसमें आप चैन भी लगा सकते हैं और उक पट्टी भी लगा सकते हैं। तो अब हमारा ये इस तरह से करके हम इसके लिए ये कटिंग करेंगे, जो हमें इसके अंदर लाइनिंग लगानी है। ये देखिए लाइनिंग को हम ए लाइन में काट लेंगे, ऊपर से हम 38 रखेंगे जितना हमने ये रखा है, और सॉरी ये यहाँ से जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है इसको नाप लेंगे हम पूरा, और इतनी हम ऊपर से फोल्डिंग करके ये लेंगे। ये देखिए हमारा कितना है ये लाइनिंग के लिए, ये हमारा 21 है, तो ऊपर से हम 21 लेंगे और नीचे से हम ए लाइन में लेंगे। तो हम इस तरह से करके इसकी लाइनिंग की कटिंग करेंगे। ये देखिए ये हमारे पास लाइनिंग के लिए कपड़ा है, ये हमने 2 फोल्ड में ही कर लिया, 2 पार्ट है हमारे। ये देखिए इसको इस तरह से रखेंगे, इधर से हमारा ये बंद वाला हिस्सा है ये वाला, और इधर हमारा ओपन वाला है। इसको मिला लेंगे हम दोनों पल्लों को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने ऊपर से ए लाइन में ही इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से, जो हमें लाइनिंग लगानी है। ये देखिए यहाँ से हम कट कर देते हैं। ये देखिए ये हमारा इस तरह से आ गया है। अब हमें ये उसमें फोल्ड करना है, इसके अंदर हमें इसको अटैच करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये यहाँ से इस तरह से करके जॉइंट लगाना है अंदर की साइड। ये देखिए तो ये हमारा थोड़ा चौड़ाई में कम है जो हमने लाइनिंग लगाई है, तो ये देखिए फ्रेंड्स इतना हमारा ये कम पड़ रहा है, तो हम इसमें जॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम एक ये जितना हमारा है इतना हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। ये देखिए लगभग ये जितना होगा, इसको नाप लेंगे पहले, उतनी पट्टी हम इसमें जॉइंट लगा लेंगे। ये देखिए 10 इंच के करीब है, तो 10 इंच की पट्टी चौड़ाई में और इस तरह से लंबाई में करके हम इसमें एक जॉइंट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम जॉइंट लगाएंगे, फिर हम इसको जो देखिए फ्रेंड्स हम ये जॉइंट जो लगाएंगे, जॉइंट के लिए हम इसको पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए
जॉइंट लगाने में हमारी सिलाई बाहर नहीं दिखनी चाहिए। इस तरह से करेंगे हम, ये देखिए इस तरह से रखेंगे और ये अंदर करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जॉइंट लगा लिया है इस पट्टी में। अब हम इसको इसके साथ कैसे जॉइंट करेंगे, ये देखिए ये रखेंगे हम। हमारा जो सिलाई वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ऊपर रहेगा इस तरह से करके, ये देखिए इसको इसके साथ ऐसे रखेंगे हम। ये हमारा सीधा है इधर और ये हमारा अंदर की साइड, अंदर से रखेंगे हम यहाँ से और इसे इसके साथ सिलेंगे। इस तरह से करके हम इसको पूरे को इसके साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से पूरे पे सिलाई लगा देंगे हम इसे। ये हमारा अस्तर वाला हिस्सा है, इसके साथ इसको जॉइंट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने इधर साइड में चैन लगाने के लिए छोड़ा है, इस पर आप हुक लगाएं, ये चैन लगाएं, तो इसको हम इस तरह से करके अंदर की साइड ये ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे 5 इंच तक लगभग। ये देखिए यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। देखिए ये हमें दोनों साइड कर लेना है, इधर भी और इधर भी। आपकी इच्छा है आप इसमें चैन लगा लें या हुक लगा लें। देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर हमने नेफा फोल्ड नहीं किया हम। ये देखें ये बॉर्डर लगाएंगे, ये बॉर्डर हम किस तरह से लगाएंगे, यहाँ से अटैच करेंगे हम इसको। ये देखिए ये बॉर्डर हम इधर से लगाएंगे यहाँ से, और इसको हमें इसके ऊपर यहाँ पर ला के ऐसे ऐसे पलट देना है जिसके अंदर हमें डोरी डालनी है। यहाँ से सबसे पहले हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लिया हमने। अगर हमारे इसमें ये नग वगैरह लगे हुए तो हम इसको हटा लेंगे, क्योंकि मशीन पर ये रुक जाता है। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, यहाँ रखेंगे। ये देखिए उल्टी साइड रखना है हमें ये, और ये हमें सीधी साइड पलट देना है। यहाँ रखेंगे हम इसको इस तरह से और ऐसे सिलाई लगाएंगे। फिर हम इसको ऐसे लेंगे और ये हमारा यहाँ पर इस तरह से करके ऐसे आएगा। इसके अंदर हमें डोरी डालनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये पट्टी हमने इस तरह लगा ली है पूरे पे बॉर्डर पट्टी। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे ऊपर की साइड सीधे तरफ। ये देखिए ये हमने उल्टी साइड लगाई है इधर से, और यहाँ सीधी साइड हमें ये पलट देनी है। यहाँ से हमें इसको बंद नहीं करना, क्योंकि हमें इसके अंदर डोरी डालनी है। यहाँ से इतना ही हमें छोड़ देना, और यहाँ से हमें इसके सिलाई लगानी है। किनारे किनारे पूरे पे हमें सिलाई लगानी है। ये फोल्ड करेंगे जो हमारा ये है अंदर का अस्तर, इसको हम नहीं फोल्ड करेंगे। ऊपर का जो है हमारा, ये देखिए इसको जितनी हमारी ये किनारी है इसको अंदर फोल्ड कर देंगे इस तरह से करके, और यहाँ से हम इस पर सिलाई चलाएंगे। ये पूरा अंदर फोल्ड कर देना है हमें। जब हम इसको अंदर वाला हिस्सा फोल्ड करेंगे तो सबसे पहले हम अस्तर वाले में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से उठाएंगे इसको, पहले अस्तर अलग ज्वाइंट लगाएंगे हम, और फिर ऊपर वाला हिस्सा अलग ज्वाइंट करेंगे। पहले अस्तर वाले को करेंगे हम यहाँ से इस तरह से, देखिए पूरा इस तरह से करके ऐसे सिल देना है हमें ये। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जॉइंट लगा दिया है। अब हमें ये जो है ऊपर वाला हिस्सा जो हमारा, इस तरह से करेंगे हम इसको भी, यहाँ से ऐसे लेंगे। देखिए दोनों पल्ले यहाँ से बराबर मिला लेंगे नीचे से। ये भी हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है अंदर करके। ये देखिए इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे इसको और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। हमारी ये पार्टी वियर ड्रेस बनके तैयार हो चुकी है एक साड़ी से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।